सो गाइस, अगर आपने अंडे की ऑमलेट खाना हो और आपका मन कर रहा हो फटाफट कुछ खाने का, तो झटपट से इजी एंड आसान तरीके से बनने वाली ऑमलेट बना लीजिए। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, अंडे की ऑमलेट। सिंपल सी रेसिपी है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें चाहिए होंगे आपको, मैंने लिए यहाँ पर 3 अंडे, कटा हुआ प्याज, 1 प्याज है, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च। पहले आप इसको तोड़ लेंगे। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, ये आसानी से बन जाता है। 2 मिनट की रेसिपी है, बहुत स्वाद होती है, आप आराम से खा सकते हैं इसको। इसमें ये सब जाएगा, ये सब इसमें डाल दीजिएगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत आराम से आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब आप इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च, जितनी आपको अच्छी लगे, जितनी आप खा सको तीखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम, तो इसलिए आप स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसको हम फेंट लेंगे इस तरीके से। आपके बच्चे को भूख लगी है, जैसे जल्दी झटपट कुछ खाना चाह रहा हो, फटाफट से बन जाती है। आप जितना इसको फेंकेंगे उतना ही अच्छा आपका ऑमलेट बनेगा। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आपके पास जो ऑयल हो आप वो डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरसों के तेल का स्वाद ही कुछ और होता है। सरसों के तेल में जब तक धुआं ना उठे, आप लोग उसको यूज़ करेंगे तो इतना स्वाद नहीं आता, उसमें से स्मेल आती रहती है। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। वैसे मैं तो इसमें जब तक तेज नहीं होता तब तक नहीं डालती ऑमलेट बनाने की, स्टार्ट नहीं करती हूँ। अब हमारे इसमें जाएगा जीरा 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो इसको 2 बार भी करके बना सकते हैं, मैंने इसको 1 बार ही बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। थोड़ा साइड से पकने में थोड़ा टाइम लगता है, अंदर से सिक जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आप लोग चाहें तो 2-2 अंडे का करके बना लो या 1 का बना लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।